सांप है, जरा साइड मोके चलो इधर, नहीं ज्यादा तेज नहीं चलेगा, ज्यादा तेज नहीं, सेंटर मोके आई से चलाएगा, आई से चलाएगा, ठीक है। जेड़ा बंदा कहे ना दमे दा इलाज नहीं, साह दा इलाज नहीं है, काला नाग मारो, मार के जमीन दे विच लंबे रुख दफन करके। चलो चलो चलो, भागो 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 भागो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं, मैं नहीं, हम लोग जा रहे हैं, बच्चा पार्टी पूरी की पूरी साथ है, और हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। बेसिकली मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद चंद ही मेले देखे होंगे, और वो भी बचपन में शायद, उसके बाद कोई मेले शहर नहीं देखे, ना कोई इतना शौक है। हाँ, मेले के अंदर एक चीज़ का शौक ज़रूर होता है, कबड्डी देखने। तो कबड्डी देखने ही जा रहे हैं हम लोग। आप लोग क्या करने जा रहे हो? कबड्डी देखने का शौक किस किस को पहले ये बताएं आप लोग? कबड्डी देखने का शौक ही है, मेले में झूलने भी हैं। तुम्हारा जो जिन है ना वो निकाल दूंगा मैं, टेंशन ना ले। हाँ जी, आपके अंदर कौन सा जिन है? कबड्डी झूले, मेरे अंदर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, वापस नहीं, नहीं नहीं, इसको उतारने दो भाई। जिसके अंदर कोई जिन नहीं है ना, उसके अंदर से जिन निकालेंगे नहीं। और जिनके अंदर जिन घुसे हुए ना, कबड्डी कबड्डी के अलावा, कबड्डी का जिन ठीक है, जो झूलों का जिन घुसा हुआ ना, ये निकालना पड़ेगा मुझे। हाँ बहन, आप किस चीज का शौक है? झूले लेने का। आपका जिन भी निकालना पड़ेगा। ये कबड्डी के अलावा जो भी कोई जिन है ना आज, कबड्डी सारे निकालने पड़ेंगे। कबड्डी तो लड़कों की होती है ना, लड़कियों के तो बस झूले होते हैं। ये बात भी वैसे ठीक है, बात नोट कर ली जाती है। आप भी कुछ सोचा जा सकता है झूले झूलों का, बाकी कोई नाम ना ले। खैर, वेलकम बैक टू द न्यू। हम लोग अच्छा खासा लेट हो चुके हैं, मतलब अभी मगरिब होने में तकरीबन आधा घंटा होगा मुश्किल से। और कबड्डी जो होती है ना, आखिरी शाम होने से पहले एक घंटे में हो रही होती है, मतलब आधे घंटे ही कबड्डी हमने जाया करती है। ये आवाम को चेक करें भाई, हमारे आने से पहले कितनी आवाम खड़ी हुई है। हम यहीं पे लगा देते हैं सबसे पीछे। ये जी लग गई गाड़ी, और वो सामने देखे जाए कबड्डी का सामान जुड़ा हुआ, लोग काफी खड़े हुए हैं। अभी पास जाके देखते हैं क्या सामने। हम लोग कबड्डी देखेंगे, उसके बाद फातिहा खानी करेंगे कब्रिस्तान में जाके, उसके बाद वापस हम, ठीक है? झूले लेंगे, कोई झूले झूले। रश इतना ज़्यादा है कि मतलब कोई ऐसी जगह मेरी नहीं रही जहाँ पे हम खड़े होकर देख लें और सामने नजर आ जाए भाई। अभी जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग। आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। ₹10,000 ਸਾਡੀ ਬਾਬਰ ਅਕਬਰ ਸਿੰਘੂ ਆਇਆ ਪਠਾਣਾ ₹10,000 ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਪਠਾਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਆਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾ ਜੀ ਸਰੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਫੀਕਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘੂ ਆਇਆ ਪਠਾਣਾ ₹10,000
राशद को जो ताली मारा बनाई करी हाथ खोल के इंटरनेशनल कबड्डी पे नौजवान जिला बाजी राशद गुजर चौधरी बाबर कमाल संधु मतलूबा आओ तगड़ा पाकिस्तान का जाफी ताली मारे बना लाल बाजू नामी पांच हजार रुपया चौधरी बाबर कमाल संधु का पिछे हो थोड़े मेहरबानी लाला बैदुल्लाह अंकु आया लाला जी हाले तो पूरा 2500 रही गया हाँ जी हाय हाँ जी मतलूबा अल्लाह पाक खैर करे जिंदाबाद जी पांच हजार रुपया लाला जी आया जी बिस्मिल्ला सजाद गुजर फखरे पाकिस्तान और कप्तान पाकिस्तान कबड्डी टीम का मैच जाते बस तू लगता अज जेलो छोटो इथे गल बनी हां जी हाँ जी निसार पटी खान 200 रुपए जी 375 फैस गया है कबड्डी मुछाले जी लाइवर मुछाले सेंटर च लैके खेल आई ताली मारा गया मुछाले जी सज गया मुछाले हाय हाय हाँ जी दस हजार रुपया राशिद गुजर मोहम्मद खान फैस 10,000 रुपया चौधरी बाबर कमाल संधु हम मेरा पहली बार मोहम्मद खान होली जी हाय पठाना हाँ जी आओ भाई अगर जी आओ तारी मारो मेरा मुखा आया पिछले पिछले दस न 15,000 रुपया 20,000 रुपया चौधरी बाबर कमाल संधु का हेलो पठाना हेलो अगो बहो यार बोलो अगो बहो अगो बहो यार हेलो पहले बात हुई थी हमारे सिर्फ कबड्डी देखेंगे हम लोग कबड्डी देख ली सांपों की पटारियां रखी हुई है जी सांप है जरा साइड मोकर चलो तेल सटन है पानी है पानी है अच्छा ये कूलिंग वास्ते है अच्छा तेल वाले टैंकी होते हैं बैठो 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 जल्दी हेलो भैया भाईजान इधर बंदा बिठाना है कोई उधर आप बैठे इधर मैं बैठता हूँ ये बच्चों के लिए बड़े नहीं बैठ सकते इस बहुत तेज चलता है ध्यान रखना और सेंटर में होके बैठो सेंटर में इधर इधर
नहीं ज्यादा तेज नहीं चलेगा, ज्यादा तेज नहीं, सेंटर में आहिस्ते चलाएगा, आहिस्ते चलाएगा, ठीक है, बहुत तेज चलेगा बेटा, पकड़ के रखना इधर, ऐसे पकड़ के रखना, एक इधर हाथ इधर एक इधर, बैठ सकते हैं बड़े भी, ख्याल करना यार, हाँ जी है मूड आप अकेले उधर बैठ जाएं, इन दोनों का बैलेंस हो जाएगा, जाए कितना वजन है आपका और आपका, मतलब 23-23, 60-62-65 के करीब है ना, बैठ जाएं 20 kg इजाफी है, खैर है, चले भाई चला दे, पकड़ लो भाई पकड़ लो, थोड़ी स्पीड और करें, पकड़ के रखो पकड़ के, अनस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, चक्कर आ रहे थे, ये तुर्कमानी की स्टाइल है, मजा आया पिड्डो, मजा आया, चक्कर तो नहीं आए, गियर तो लगते नहीं इसमें, गियर तो लगते, ये इसको चक्कर आ रहे थे, अब कह रहा है कि तुर्कमानी का स्टाइल, अंकल इसे दिलवा दो बेटा, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा है, ये सही नहीं है, भैया का माउथ देखने वाला था जब झूला चला के था, चाचू आहिस्ता कर, जब अंकल के पास आ गया तो चाचू आहिस्ता कर, चाचू आहिस्ता, वो देखो घुड़सवारी करनी, मामू ये मेला खत्म हो गया निकलते हैं, चलो देखो कितना रश हो, ये टूट जाते हैं बेटा, स्प्रिंग नाजुक है, टूट जाएंगे, नहीं टूटते, वो दूसरे वाले पे, दूसरे वाले पे आराम से, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बहना भी है साथ, कितने पैसे लेते हैं एक बच्चे के, 20 रुपए, और टाइम कितने, 10 मिनट, 10 मिनट, आप लोगों के 10 मिनट स्टार्ट हो गए, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा ये मुस्का कहीं नहीं मिलता, दिखाता हूँ आपको, ए काला नाग तुहानू मिल जाए, कोशिश नहीं करनी, हाथी जिंदा लख दा मर जावे ते सवा लख दा, जेड़ा बंदा कहिंदा ना दमे दा इलाज नहीं, साह दा इलाज नहीं, ए काला नाग मारो, मार के जमीन दे विच लंबे रुख दफन करके इहदे उत्ते कमाद जवार दा गन्ना बीज दिओ, गन्ना पक जाए दमे आले बंदे नूं 3 गन्ने च पाए जान ते अल्लाह रहमत कर दिंदा है, जिंदगी च दमा नहीं हुंदा, अगर इहदियां हड्डियां मिल जान ना, हड्डियां ए गले दे विच हंजीरां नहीं हुंदियां, अगर इहदा हुंदा जे गाए पिछा वास मुंगर कढ लईए, इहदी कुंज पट्ठां विच लपेट के मझ गां नूं दे दे, कदे आन वाली नसल वी पिछा बार नहीं कढे, लो जी आ नाग देख लो जी, ਜਿਹੜਾ 100 साल तक जिंदा रवे ते लोग कहंदे ने सप काया पलटदा है, अखां दे नाल देखना जी, मगर कईआं बंदिआं ने देखा जी, ए राय विंड फाटक दे उत्ते ए काला नाग असीं चीर दिंदे आ, इहदी चरबी करदे आ, पाक सर जमीन दीआं 14 देसी जड़ी बूटियां, जैफल जलवत्री लौंग मालकंगनी अकरकरा जड़पान आंबा हल्दी सुंड ਸਾਡੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਕਤਰੇ ਨਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਲਾਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਮਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਕ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਕੁੱਪਰੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੋ, ਖੈਰੋ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ 4 ਕਤਰੇ ਲਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਲੱਕ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟਦਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਲਦਿਆਂ ਮਲਦਿਆਂ ਦਰਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਆ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ, ਇਹ 4 ਕਤਰੇ ਮੁਕਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਦਰਦ ਦੇ 2 ਕਤਰੇ ਪਾਓ, ਦਰਦ ਫੌਰੀ ਬੰਦ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਕੰਨ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ 2-2 ਕਤਰੇ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 4-5 ਕਤਰੇ ਲਗਾਉਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
कन च दर्द दो कतरे पा दर्द फौरी बंद कन चो रेशा का कन रों कपाह नाल साफ करके दो दो कतरे पांच दिन तदरी चंबल हथा पैरां ते इनू चार पांच दिन ला तदरी दा निशान भी नहीं रहेगा। तो एक नाग ने दिखाने वाला वो नहीं खोलेंगे, पूरी महफिल खत्म करेंगे उसी को दिखाने के चक्कर में लोग जमे रहेंगे वहाँ पे, दिखाया कुछ नहीं अभी तक। अब बस करें चले, अब टाइम हो गया आप लोगों का। तुम नहीं देखी फिर अभी तो देखनी ही नहीं है। अंकल कह रहे हैं 10 मिनट हो गए, बस करो। आ जाओ पैसे हो गए पूरे भाई, ये नहीं उतरने वाले भाई आज। ठीक है हम जा रहे हैं फिर, अल्लाह हाफिज। दोनों बर्तन इनसे बर्तन धुलवा ले फिर आज। कितने का बनता है ये तकरीबन नया बनवाया तो 50-55 का। 50-55 का बनता है ये, 100 रुपए का मिलता है एक स्प्रिंग। ये अच्छे वाले। तो इसको गोल कैसे कहते हैं, टक लगा करते हो पाइप को? ये ना पीस बने होते हैं, यहाँ पे जोड़ होगा, यहाँ पे जोड़ है। नहीं घर के लिए बनवाना हो तो कहाँ से बने? अब किसी भी वेल्डर से बनवा लीजिए। ये पाइप सीधे वाली लेंथे होती है ये? हाँ ये सीधी लेंथे होती है, ये वेल्डर को आप देंगे ना इसके छोटे छोटे पीस बनेंगे, यानी कि इसके 8 पीस है इसके। अच्छा इसके 6 पीस हैं। ये कपड़ा तरपाल वाला कपड़ा नहीं है ये? नहीं ये तरपाल वाला, इधर हाथ लगा के जाते हैं। क्या कपड़ा क्या कहते हैं इसको? ये कपड़ा होता है जंप का कपड़ा। जंप का कपड़ा कहाँ से मिलता है ये आपको? मिलेगा ये दुबई टाउन से। दुबई टाउन से मिलेगा 8 से 9 हज़ार का कपड़ा ही कपड़ा है। इस साइज का, इसका साइज क्या है? ये 16 फुट का है। 16 फुट का, तो 14 फुट का कपड़ा लगा हुआ है। 1 फुट का बीच में ये स्प्रिंग की जगह, ये स्प्रिंग आ जाता है। स्प्रिंग फुट का नहीं होता लेकिन ये खींच कर फुट का करना पड़ता है, अगर ये लूज हो तो निकल जाता है। सही। और इसके बीच में क्या लगाया हुआ है? यहाँ पे तार है, कपड़े मतलब घर में बनवा सकते हैं। 50,000 का भाई कह रहे हैं, मतलब इसे हाफ साइज का बनवाया जाए तो 20-25 हज़ार में आराम से बन जाएगा। अच्छा बारिश से भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें? दिखता है बारिश होती रहती है, हम नीचे बैठे रहते हैं। अच्छा पानी नहीं जाता नीचे? स्नेक नहीं देखना रात को ख्वाब में नजर आए। यहाँ का एम्पोरियम मॉल या पैकेजेस मॉल है जी, खाने का काफी सामान सारा इधर है। बच्चों का वापस जाने को दिल नहीं कर रहा भाई, आप लोग यहीं पे छोड़ दें दरबार पे, रात को जिम आते हैं। ये देखो सब लोग चलेंगे, सिर्फ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बस। यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की जब हम आए थे, और हालत चेक करो अपनी, पसीने में क्या हालत हुई पड़ी है। घर जाके नहाना नहीं पड़ेगा। वेट करो अभी नहीं क्रॉस करनी, ये बाइक से निकल ले दो सबको। आ जाओ। चलो ड्रामे चेक करो इसके पास, ये ड्रामा क्वीन। मजा आया था भाई आपको? डर लग रहा था, मान जाओ इस बात को। नहीं मान लग रहा था, मैंने चक्कर आ गए। अरे इसको भी चक्कर आ रहे थे, इसका भी मुंह देखा था मैंने बना हुआ था, आ रहे थे ना हिबा को नहीं आ रहे थे। अब चक्कर आ नहीं रहे, चक्कर दे रही है हमें ये। अच्छा ये बताओ सब छोड़ो, मजा आया कि नहीं आया? आया था मजा। खाने पीने वाली चीजों से मुश्किल से रोका है मैंने, झूले झूले तो सारे ले लिए आप लोग। खाने वाली चीजें जो है ना मेले की अच्छी नहीं होती इसलिए नहीं खाई हमने, बेटा बीमार हो जाते हैं उनसे बच्चे। क्या चीज? जाके शीशा देख लेना ठीक है। क्या बजाते क्या बजाते कहता पुंगी बजाते हैं, बीन कहते हैं उसको बेटा। काबू में कैसे हो जाता है? जैसे मम्मा स्टिक उठाती है ना, अनस काबू में हो जाता है, ऐसे स्नैक काबू में हो जाता है। अब करो ड्रामा क्वीन, अब बनाओ जो ड्रामे बनाने। फोन किसे किया था? ड्रामे कर रही, फुल पसीना आया हुआ, कहते ठंडा पानी पीना है, इमली आलू बुखारे का पानी पीना है। वो जहाँ से हमने इमली आलू बुखारे का पानी पिया था व्लॉग में भी दिखाया था, उसी जगह से गुजर रहे थे हम। कहती है कि वो चला गया, छुट्टी कर ली उसने, मैंने फोन भी किया था उसे, जाना मत पानी पीना है। पिड्डो चलो व्लॉग को तो एंड कर दो। हिबा नाराज है भाई, मैं मनाता हूँ इनको, जाते हैं भाई इनको पानी शानी पिलाते हैं घर जाके, और व्लॉग को खत्म करते हैं यहीं पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।